हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपका ये पेज ओपन होगा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट का। इसमें आपको इस ऑप्शन के ठीक सामने बटन दिया हुआ है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑन हो जाएगा ब्लू कलर में बटन। अब आपको नीचे की साइड ये सैंपल में साउंड प्रोफाइल दे रखी है, इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए आपको यहां पर ऑप्शन जो अपनी एज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। देखिए अगर ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना लिखा हुआ है कि अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, यहां पर क्या है कि अगर आपकी एज 30 साल के अंदर अंदर है तो आपको ये पहला ऑप्शन यानी सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, ठीक है। अगर आपकी एज 30 साल से 60 साल के बीच में है तो आप इसे सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाइए। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आप इसे तीसरे वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाइए, ठीक है। आप अपने एज के हिसाब से टिक मार्क लगा लेंगे तो आपको जो है इस ऑप्शन के ठीक सामने एक ये ऑप्शन दिखाई देता है, ये आइकन दिखाई देता है सेटिंग का आइकन, ठीक है। इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसमें आपको लेफ्ट ईयर और राइट ईयर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने कौन से कान से सुनना है ये आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है। देखिए अगर आपको उल्टे कान से सुनना है यानी कि लेफ्ट ईयर से सुनना है उल्टे कान से, तो आपको राइट वाले से टिक मार्क हटा देना है आप ताकि उल्टे कान से सुन सके। अगर आपको सीधे कान से सुनना है तो राइट वाले बॉक्स पर टिक मार्क लगाना है और लेफ्ट वाले से हटा देना है। अगर आप दोनों ही कान से सुनना चाहते हैं तो आप इसे लेफ्ट और राइट दोनों पे टिक मार्क लगा के रखिए, ठीक है। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करती है, इतना सब कुछ ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम जो है अपना ईयरफोन जो होते हैं आपके, चाहे वो वायर वाले ईयरफोन है, चाहे वो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है, चाहे आपके पास कोई भी हेडफोन है, अगर आप अपने ईयरफोन्स के जरिए अगर आप अपने मोबाइल फोन में ऑडियो वीडियो या कुछ भी आप सुनते हैं ना, तो आपके जो ईयरफोन से निकलने वाला साउंड है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। ये सेटिंग जो इस तरीके से काम करती है ताकि आप के कानों को कोई क्षति ना पहुंचे, मतलब कि नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहां पर जो है आपके इस जितने आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके कानों को जरूरत है साउंड की, उस हिसाब से आपके कानों तक वो साउंड पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है इस चीज के लिए काम करती है। तो ये सेटिंग का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने फोन में।